हमारी पहल है। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। सुप्रीम पावर न्यूज को मिल रहे आपके स्नेह और प्यार के लिए सुप्रीम पावर न्यूज टीम आपकी आभारी है। तो आइए बने रहे सुप्रीम पावर न्यूज के साथ और देखें आज की प्रमुख खबरें। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। कोरोना को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद कहा भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने। भोपाल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। भोपाल जिले में बुधवार से मास्क का अभियान फिर शुरू किया जा रहा। जो लोग मास्क के बगैर मिलेंगे उन पर 200-200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल भोपाल जिले में कोरोना की रोजाना 6000 टेस्टिंग की जा रही। भोपाल जिले में कोरोना के रोजाना औसतन 60 मामले आ रहे। जिले में इस समय अस्पतालों में 8500 पलंग उपलब्ध है। और भी आगे क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए भोपाल से राजेश नागेश की रिपोर्ट। टेस्टिंग अभी भोपाल में हो रही है और जो केसों की स्थिति है वो लगभग पर डे अभी जो एवरेज है वो 60 के आसपास पर डे केस आ रहे हैं। इसलिए अब ये स्पष्ट है कि कोरोना आ चुका है और अब हम सबको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार जो प्रयास कर सकती है वो सारे प्रयास सरकार कर रही है, पर हमें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा और साथ ही सरकार को आपकी सुरक्षा के लिए जो प्रयास है उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता की अपील मैं करता हूं। और हम विश्वास दिलाते हैं भोपाल ज़िले की जनता को, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी सजगता के साथ इसको देख रही है। पहली और दूसरी लहर में भी हम लोगों ने देश में सबसे अच्छा काम किया है और इस बार भी लोगों से यही कहेंगे कि सुरक्षा का ध्यान रखें, पर सरकार की स्तर पर सभी प्रकार से हम लोगों ने तैयारियां की।